हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो आइडिया आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो ये है कि बहुत कम खर्च में कैसे आप अपने लिविंग रूम का मेकओवर कर सकते हैं, बस छोटे छोटे से चीज़ों से। और इसमें मैं आज बनाऊंगी कुशंस कवर और टेबल रनर वगैरह, जो कि छोटे छोटे कपड़े अगर आपके पास बचे हुए हैं ना तो उससे भी ईजिली बन जाते हैं। और इसमें ज़्यादा ना खर्च है और ना ज़्यादा मेहनत है, बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा मेहनत किया और मेरा लिविंग रूम का एकदम से लुक चेंज हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ना, मेरे पास कुछ कपड़े बचे हुए थे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे, कुछ बड़े पीसेस भी थे, तो उससे आज मैं अपने लिविंग रूम के लिए कुछ बनाती हूँ, थोड़े से कुशंस और टेबल रनर। तो ये वाला जो कपड़ा है ना, इससे मैं टेबल रनर बनाऊँगी। तो ये वाला कपड़ा बहुत छोटा सा था, तो इसका मैंने इस तरीके से 12 इंच चौड़ा एक पट्टी सा काट लिया था। यहाँ से कट लगा देंगे पूरा लंबा पट्टी सा। इसका ना लंबाई कुछ छोटा पड़ रहा था और एक ही साइड इस तरीके का बॉर्डर आया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ दिया था ताकि ये टेबल का लंबाई पूरा हो जाए। तो कुछ इस तरीके से दोनों तरफ हमारा फ्लावर वाला पट्टी आ गया था। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से डबल करेंगे और 6 इंच किनारे से ले करके और इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन में इसको कट लगा देंगे। यहाँ से कट लगा देंगे तो कुछ इस शेप में हमारा कपड़ा कट जाएगा। तब इसी तरीके का ना, मेरे पास एक प्लेन कपड़ा भी था तो उसका मैं लाइनर लगा दूंगी इसके अंदर, और उसी शेप का इसको काट के साइज का और इस तरीके से ना चारों साइड सिल देना है। थोड़ा सा खुला रखना है जहाँ से हम कपड़े को उलट सकें। तो इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया था और फिर इसको अब यहाँ से मैं पलट देती हूँ, जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था। इस तरीके से इसको अच्छे से पलट लेंगे। और जहाँ से जो कपड़ा छोड़ा हुआ था ना सिलाई थोड़ा सा, उसको भी सिल लेंगे और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो भी इसका जो है ना अच्छे से सेट हो जाए कपड़ा। तो ये देखिए, अच्छे से ये सेट हो गया हमारा। तो अब इसके कॉर्नर पे जो है ना, मैं तीन तीन मोती लगा रही हूँ, दो वाइट पर्ल और एक गोल्डन कलर की मोती। और नीचे ये ऊन का घर में ही लच्छा बनाया हुआ था, इस लच्छे को लगा दूंगी। इससे ना एक रनर का बहुत सुंदर सा लुक आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा देंगे। तो ये दोनों पॉइंट पे लग गया था हमारा लच्छा। और ये देखिए, हमारा रनर बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ टेबल पे। और ये बहुत ही छोटा सा भी आपके पास कपड़ा है ना, तो इसका चौड़ाई आप कम कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। और ये देखिए, कितना सुंदर सा हमारा टेबल रनर बनके रेडी हो गया था। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके का ना, मेरे पास कपड़ा था थोड़ा सा, तो इससे मैं कुशन कवर बनाती हूँ। तो मैंने ना एक टुकड़ा इस तरीके से 12x12 इंच का काटा था और दूसरा वाला पीस जो है ना, इससे बड़ा काटा था 4 इंच, ये 12x16 का था। तो जो हमारा बड़ा वाला टुकड़ा है ना, उसको हम बीच से कट लगा देंगे निशान लगा करके। ये देखिए, यहाँ से 8 इंच पे हम इसको कट लगाएंगे। इसको पूरा ही काट देंगे, दो टुकड़े में कर लेंगे और उसकी दोनों किनारी को इस तरीके से सिल देंगे, इस वाले पीस के भी किनारे को और इस वाले पीस के भी किनारे को। इस तरीके से दोनों किनारा सिल गया था। ये जो हमारा बड़ा वाला टुकड़ा था ना 12x12 इंच वाला, तो उसके ऊपर इसको अच्छे से सेट करके लगा देंगे। ये देखिए, एक दूसरे पर ना कपड़ा इस तरीके से ऊपर होना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 इंच। तो अब हम इसको चारों साइड से इस तरीके से सिल देंगे। तो ये चारों साइड से मैंने सिल दिया है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं।
ये देखिए इसको पलटने के बाद इस तरीके से हमारा कुशन कवर बन जाएगा। आपको जो साइज चाहिए उस साइज का आप इसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी तरीका है कुशन कवर बनाने का। इसमें ना बटन लगता है ना चेन लगता है और ये बहुत आसानी से ख़राब भी नहीं होता है। इसको कैसे भी आप वॉश कीजिए ये ख़राब नहीं होता है। तो सेम उसी तरीके का ये मेरे पास पिंक कपड़ा था तो उसी तरीके से मैंने पिंक कलर का भी कुशन कवर बनाया था उससे मैच करके। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से बन गया था। झटपट बन जाता है फ्रेंड, मुश्किल से 5 मिनट में आपका कुशन कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों मैच करके मैंने बनाया था ये। तो इस तरीके का ना पिंक मैंने 3 बनाया था और ब्लू वाला 4 बनाया था। तो देखिए मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरीके का है। पहले इस तरीके का कवर था मेरा कुशन का। तो इसको मैं अब आपको नया वाला जो कुशन बनाया उसको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए थोड़े से खर्च में बिल्कुल लो बजट में आपके पूरे लिविंग रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। ये देखिए टेबल रनर भी कितना सुंदर लग रहा है, इससे मैच करके कलर बन गया था। और सोफ़ा का कलर भी एकदम से चेंज हो गया है। तो आप इस तरीके से ना बिल्कुल थोड़े से खर्च में झटपट से अपने लिविंग रूम को बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं उसका लुक। तो आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही नए नए आइडियाज़ के साथ मिलती रहूँगी आपसे नए वीडियो में।